आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथहैम्पटन के इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। ओलंपिक श्रेणी का ये जहाज लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़े 25 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में, यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। फैक्ट नंबर 2, टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जाना था। फैक्ट नंबर 3, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। फैक्ट नंबर 4, जहाज के हिमपर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय में कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को धैर्य बधाया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोटर्स से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। फैक्ट नंबर 5, आइसबर्ग से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। फैक्ट नंबर 6, एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3547 लोग सवार थे, जिनमें से 2687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। फैक्ट नंबर 7, टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोटर्स ही थी, जो इसके केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोटर्स होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। फैक्ट नंबर 8, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी। फैक्ट नंबर 9, टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। फैक्ट नंबर 10, जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। फैक्ट नंबर 11, जहाज से टकराने वाला हिमपर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। वीडियो में जो तस्वीर दी है वह हादसे से अगले दिन हादसे वाली जगह के पास मिले 2 हिमपर्वतों की है, और यही माना जाता है कि टाइटैनिक इन्हीं में से किसी एक से टकराया था। फैक्ट नंबर 12, एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिमपर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से हिमपर्वत को भी काफी नुकसान हुआ था। फैक्ट नंबर 13, टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। फैक्ट नंबर 14, टाइटैनिक की 4 बड़ी-बड़ी चिमनियां थी, जिनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी। फैक्ट नंबर 15, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। फैक्ट नंबर 16, आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है।
इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीजों समेत लोगों की कई चीजें भी मिली जो इस जहाज में सफर कर रहे थे। फैक्ट नंबर 17। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एकमत नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बट गया, पर यह बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर ही एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया था। फैक्ट नंबर 18। टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, पर 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज्यादा आया था। फैक्ट नंबर 19। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों के टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। फैक्ट नंबर 20। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 करीब ₹2,70,000 चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 करीब ₹1,00,000 और थर्ड क्लास के लिए $30 करीब ₹2,000 की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के वक्त में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को ₹50,00,000 खर्च कर इसमें सफर करने का मौका मिलता। फैक्ट नंबर 21। टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। फैक्ट नंबर 22। टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा। फैक्ट नंबर 23। टाइटैनिक के निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। फैक्ट नंबर 24। जहाज के 860 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 23 महिलाएं थी। फैक्ट नंबर 25। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबे आज कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इसे भुला नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो वो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।